हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का डेट है 8 तारीख है आज, और आज है संडे। सो और अभी टाइम हो रहा रात का, अभी 8 बज रहा है। सो कितना अच्छा से मिल गया ना 8 तारीख 8 बजे से मैं कितना अच्छा मिल गया ना 8 तारीख और रात 8 बजे मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। सो मुझे लगा था मैं आज व्लॉग स्टार्ट करूँगी नहीं, क्योंकि इतना रात हो गया तो अभी तो करने का कुछ फ़ायदा है नहीं। सो सडनली कुछ ऐसा हुआ तो मुझे करना ही पड़ा। तो क्या हुआ चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। सो आज का जो डिनर है बहुत ही स्पेशल सा डिनर बनने वाला है, और वो बनाएंगे हस्बैंड जी। वो सिर्फ हस्बैंड जी का नाम लेने से सही नहीं होगा, क्योंकि उसमें मैं भी रहूँगी, भाई भी है, सब मिल के बना रहे हैं मज़ेदार डिनर आज के लिए। सो आज गेस्ट भी बहुत ज़्यादा कम है, तो इसीलिए हमने सोचा कि ना आज बिरयानी बनाया जाए, और बिरयानी तो मेरा बहुत फेवरेट है। तो चलिए देखते हैं कितना दूर हुआ है, बिरयानी बनना ऑलरेडी स्टार्ट हो गया। तो चलिए मैं दिखाती हूँ क्या क्या हो रहा है, कितना दूर पकना मतलब कितना दूर हुआ है बिरयानी बनना। और आप आवाज़ सुन रहे हैं खुशी, मैं गेट को बंद करके रखी हूँ, खुशी बाहर से ठक 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 कर गई। तो चलिए देखते हैं उसको। What happened? কেন তো ঢুক 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 করছিলে? কি হয়েছে কি হয়েছে? হাই বলে দাও, হাই বলে দাও। আচ্ছা হাই বলে দাও। হ্যাঁ দেখছে, এবার খুললো, হাই করে দাও। বলো গুড ইভিনিং। সো चलिए मैं दिखाती हूँ चिकन बिरयानी बनना कितना दूर हुआ है। चलिए सो यहाँ पे चल रहा है बिरयानी की तैयारी, और हस्बैंड जी यहाँ पे प्याज काटते हुए घस 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 घस। और उसके बाद और क्या क्या हुआ है? अंडा बॉईल हो गया, और यहाँ पे देखिए चावल रेडी है, और यहाँ पे चिकन आलू फ्राई हो गया, और यहाँ पे हो रहा है जो मसाला है गरम मसाला वगैरह, वो यहाँ पे बॉईल हो रहा है। पता नहीं ये हस्बैंड का टेक्निक है, इसको ऐसा बॉईल करने से इसका जो पानी है ना वो बिरयानी में चाहिए। तो मैं दिखाती हूँ बाद में। और अभी बिरयानी बन रहा है, और उसी बीच मैं खुशी को यहाँ पे डिनर करवा लेती हूँ, क्योंकि खुशी को तो मैं बिरयानी नहीं खिलाऊँगी। सो इसीलिए उसके लिए अलग से बना हुआ है, तो मैं उसे खिला लेती हूँ, तब तक इधर बिरयानी बनते रहे। सो ऑलमोस्ट बिरयानी ऑलमोस्ट बिरयानी हमारी तैयार है। लास्ट का जो प्रोसेस है वो अभी चल रहा है, तो हमारे पास कोई डिश नहीं है, इसीलिए हम इस ऐसे जुगाड़ बना के बस बिरयानी को अभी हल्का आँच में छोड़ देंगे। सो हमारा बिरयानी तैयार है। सो आप देख पा रहे हो ना, देख के इतना अमेजिंग लग रहा है, तो देख के जितना अच्छा लग रहा है ना खाने में, टेस्ट भी बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया बना था, बहुत ही अच्छा स्वाद आया था बिरयानी का, एकदम जैसा बिरयानी होता है सेम वैसा बिरयानी का टेस्ट था। बट क्या है ना, चावल जो है चावल थोड़ा सा ज़्यादा पक गया है, क्योंकि बिरयानी का चावल जो है ना आपको थोड़ा सा कम पकाना है, तो हमारा से थोड़ा सा ज़्यादा पक गया। कोई बात नहीं, जो भी बिरयानी का जो टेस्ट है वो तो है ही। और हमने आज बिरयानी बनाया, उसमें आलू एक और चिकन मिला के बनाए हैं, क्योंकि ऐसा बिरयानी बहुत ही ज़्यादा फेमस है, बंगाली बिरयानी है ये। सो और उसके साथ अगर सैलेड ना हो तो मज़ा नहीं है, तो मैं खा रही हूँ, टेस्ट करके देखती हूँ कैसा लगता है। सो चलिए मैं पूरा खा लेती हूँ, उसके बाद फिर आप सबसे मिलती हूँ।
आज मैं बहुत लेट से उठी हूँ, अभी 10 बज रहा है सुबह का। अभी मैं ब्रश कर रही हूँ, खुशी का नाश्ता वास्ता सब कुछ हो गया। आज मैं अभी नाश्ता बनाना हो गया एक्चुअली। ये है वेज मेयोनीज, तो मैंने कभी भी नहीं बनाई, मैं फर्स्ट टाइम ये ट्राई की, तो बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही टेस्टी बना था। तो मैं किसी और दिन इसका रेसिपी ज़रूर दूंगी। मैं सिंपल वे से ये बनाई हूँ, बट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। हमारा ये है ब्रेकफास्ट आज का, और खुशी का हो गया है। ये है हस्बैंड जी का प्लेट, जो मैं थोड़ा सा डेकोरेट की हूँ यहाँ पे, और साइड में आप देखेंगे अभी ये है मेरा प्लेट, क्योंकि ये कैमरे के लिए नहीं है, और हस्बैंड जी का जो है वो कैमरे के लिए है। तो ऐसा होता है, कैमरा के लिए सीन अनसीन दोनों रहता है। हेलो। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं अभी फिर आई हूँ। अभी टाइम हो रहा है दोपहर का, 3 बज गया है अभी, और अभी हम लंच करेंगे। लंच नहीं हुआ है और खुशी का लंच हो गया, वो सो रही है अभी, और हमारा अभी लंच करना। कल का जो बिरयानी है ना, वो था, वो बहुत ज़्यादा टेस्टी हुआ था। रात में बिरयानी खाने के बाद और मुझे मन नहीं किया कि मैं और ब्लॉग करूं, क्योंकि बहुत ज़्यादा नींद लग गया था, और खुशी को सुलाई थी वो भी उठ गई थी। आज दोपहर में मैं कुछ भी लंच नहीं बनाई हूँ, कल का बना हुआ सब कुछ है, क्योंकि रात में सडनली प्रोग्राम हो गया था कि हम आज बिरयानी बनाएंगे, बिरयानी खाएंगे, क्योंकि मैं दिन में ही बनाई थी, फिश करी बना के रखी थी, तो कोई रात को तो खाया नहीं, सब कोई तो बिरयानी खा लिया। तो इसीलिए जो फिश करी कल बनाई थी वो है, और यहाँ पर तो ठंड है ना, तो यहाँ पर ख़राब होता नहीं है खाना सब। चावल भी है, फिश करी भी है, वो हमारे लिए हो जाएगा। खुशी के लिए मैं अलग से खिचड़ी बना के दी थी, तो खुशी को ऑब्वियस बात, मैं खुशी को तो बासी खाना तो नहीं दे सकती। अभी मैं चावल गरम करना हो गया मेरा, और अभी फिश करी जो है वो गरम हो रहा है, और अभी हम थोड़ी देर में खाना खा लेंगे। और यहाँ का जो वेदर है आज सुबह से बहुत ज़्यादा क्या डैम वेदर है, बहुत बारिश हो रही है, ऊपर से फॉगी भी बहुत ज़्यादा है, आज धूप नहीं निकला है थोड़ा भी। खाना वाना खा लेंगे, तो कहीं जाने का प्रोग्राम है हमारा, तो कुछ काम है, खुशी के लिए कुछ लेना है, क्योंकि आगे कुछ है खुशी का। गेस करो क्या है खुशी का, तो कुछ दिन में ही उसका कुछ है, इसके लिए हमें कुछ लेना है उनके उसके लिए, तो इसीलिए हमें थोड़ा मार्केट जाने का काम है। अगर मार्केट जाती हूँ तो मैं ज़रूर व्लॉग करूँगी, तो ज़्यादा नहीं, मैं इसी व्लॉग में उसको वो भी ऐड करके उसको मैं एंड करूँगी, क्योंकि ये व्लॉग जो है बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ है नहीं है, अभी छोटा ही है। कल सिर्फ बिरयानी का ही दिखाई, तो रेसिपी वगैरह मैं कुछ नहीं दिखा पाई, क्योंकि मैं खुशी को पकड़ी थी, और हस्बैंड ने जितना हो हस्बैंड ने किया, मैं थोड़ा बहुत मैं सिर्फ चिकन को बना के दी थी। सब कुछ मतलब बिरयानी का जो है परफेक्ट बिरयानी बनी थी, बट क्या है ना, चावल जो है थोड़ा सा ज़्यादा गीला हो गया था, चावल और थोड़ा सा टाइट होता तो और ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन खाने में टेस्ट बहुत अमेजिंग था, तो बहुत अच्छा लगा कल का बिरयानी खाना। तो चलिए मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में, हम लंच कर लेते हैं, अगर हम बाहर जाते हैं तो ज़रूर मैं आप सबसे शेयर करूँगी। यहाँ पर कल का जो फिश है वो गर्म कर रही हूँ मैं, और कल का थोड़ा सा बिरयानी कल का थोड़ा सा बिरयानी बचा हुआ है, इसे भी खा लेंगे। और यहाँ पे है खुशी के लिए मैं खिचड़ी बनाई थी, और ये चावल है जो कल का चावल है, उसे मैं गर्म की हूँ ये मोमो का डिश में। हमारा लंच हो गया, खुशी भी नींद से उठ गई है, और मैं यहाँ पे जा रही हूँ, थोड़ा सा मेरा काम है यहाँ पे, जो हमारा होटल का बाजू में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, आपको 5 कदम चलने से ही आ जाता है। तो मैं जा रही हूँ पार्लर, क्योंकि मुझे थोड़ा सा थ्रेडिंग करवाना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जंगल जैसा हो रखा है, मेरा फेस बहुत ही अजीब दिख रहा है। बहुत दिन से नहीं की हूँ मैं, ऐसा 2-2.5 महीना बाद ही करती हूँ, तो सामने कुछ स्पेशल सा डे है, इसलिए मुझे ये करना है। चलिए मैं पार्लर में लेके जाती हूँ आप सबको, और दिखाती हूँ अंदर का इंटरफेस। दीदी ये है छोटा सा एक पार्लर, बहुत ही अच्छे से सजा के रखा है यहाँ का जो दीदी है वो। अभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा थ्रेडिंग कर लूँगी, उसके बाद फिर से मैं वापस जाती हूँ। तो जब तक मैं थ्रेडिंग कर लेती हूँ, तब तक आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं फिर थोड़ी देर में आप सबसे मिलती हूँ।
फाइनली मैं आ गई हूँ पार्लर से। मुझे थोड़ा सा ये आईब्रो क्लीन करवाना था क्योंकि बहुत दिन से ये बहुत गंदा हो गया था। मार्केट जाने का जो बात था वो थोड़ा सा वो कैंसिल हो गया, क्योंकि हम जो चाहते हैं खुशी को देने के लिए, हमें कुछ गोल का कुछ देना था। मैं बता दे रही हूँ, गोल का कुछ देना था खुशी के लिए। क्या है, हमारा जितना बजट है अभी उस बजट में वो नहीं हो रहा है, हम जो चाह रहे हैं वो नहीं हो रहा है अभी। क्यों ना हम सोचे जितना बजट है हमारा, वो बजट का जो मनी है उसे हम सेव करके रख देते हैं, बाद में जब थोड़ा मनी हो जाएगा फिर उसमें ऐड करके हम हमारे दिमाग में जो है वो हम खुशी के लिए ले लेंगे। तो इसीलिए मार्केट जाना कैंसिल हो गया। और कपड़ा का जो बात है, कपड़ा तो कभी भी हम ले सकते हैं, नया कपड़ा भी चाहिए तो कभी भी वो ले सकते हैं, तो दुकान तो हमेशा खुला ही रहता है। तो इसलिए हम आज मार्केट नहीं गए। तो मैं सोची क्यों ना मैं पार्लर का ये काम निपटा लूँ, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। और मैं भी खड़ी हूँ, मेरी जो रूम नंबर 5 उस दिन आप लोग को दिखाई थी, अगर आप लोग नहीं देखे तो मेरे यहाँ पे चैनल में है वो वाला व्लॉग, तो आप जाके देख लेना, माउंटेन व्यू वाला जो व्लॉग है वो। वहाँ पे मैं खड़ी हूँ और यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा फॉगी है, देखिए कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, ये पूरा व्हाइट सा है ना, सारा फॉगी है। यहाँ पे नीचे देखिए घर सब है, थोड़ा बहुत दिख रहा है, बाकी दूर का तो कुछ नहीं दिख रहा है। मैं रूम में बात करती तो बट वहाँ पे हस्बैंड और खुशी है, वहाँ पे खेल रहा है ना, तो मैं इसलिए मैं यहाँ पे आ गई आप सबसे बात करने। मार्केट जाना तो कैंसिल हो गया और मेरा पार्लर का काम भी ख़त्म हो गया, और थोड़ा सा काम है जो हेयर स्पा, ये मैं बाद में करवा लूँगी। गाइस मैं इस ब्लॉग को यहाँ पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोग को ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा है, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और जो जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं मिलूंगी एक नए कंटेंट के साथ, एक नए ब्लॉग के साथ, तो तब तक के लिए बाय बाय।